हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल स्क्रीनर। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है ना भाई? वो 700 सब्सक्राइब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से सपोर्ट करते रहेंगे तो 1K ज़्यादा दूर नहीं है, तो मुझे लगता है कि हम बहुत ही सामने हैं। आप लोगों का सपोर्ट, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सपोर्ट मिलेगा, लेकिन थैंक्स। तो आशा करता हूँ मेरा कंटेंट आपको अब सभी को पसंद आया, मतलब आता ही होगा। तो इस तरह का कंटेंट और भी आएगा, बहुत सारा आएगा। मेरे दिमाग में बहुत सारा कुछ है, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट कर लो क्योंकि मुझे काम भी होता है। तो उसके बीच में एक गेम भी खेलता हूँ कुछ टाइम चिल करने के लिए, और उसके बाद जितना भी टाइम मतलब मिलता है, मैं वीडियो का कॉन्सेप्ट सोचने में लगा देता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि एक जैसा वीडियो बनाऊंगा तो कुछ नया नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमेशा कुछ अलग सा लाना होगा, तो इसलिए कॉन्सेप्ट सोचने में थोड़ा टाइम लग जाता है और थोड़ा डिले भी हो जाता है। तो इसके लिए सबको वेट भी करना पड़ता है। तो भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ठीक है? बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ है। तो आज का कॉन्सेप्ट ज़्यादा कुछ नहीं है। आज का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोगों के पास 2 GB का रैम का फ़ोन आता है, जो लोग बहुत कुछ मतलब पबजी लाइट खेलता है या कुछ भी करता है, लेकिन उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का मतलब लो एंड डिवाइस का जो 3 GB या 2 GB रैम का होता है, उसमें लिमिटेड होता है, मतलब कि 720p हाइस्ट रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब यही हाइस्ट है। तो मुझे कुछ दिनों पहले कुछ मैसेज आया था कि काइन मास्टर में, जो कि हमारा फेवरेट ऐप है, जो कि हमारा फेवरेट बहुत बहुत ही ज़्यादा फेवरेट ऐप है, और इस ऐप पे हम 720p, हाँ 720p से अगर नीचे का वीडियो अगर एडिट करके एक्सपोर्ट करते हैं, इसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है उसका कम हो जाता है, तो कुछ प्रॉब्लम आता है। तो मैंने भी खुद भी इस सब प्रॉब्लम फेस किया है बहुत पहले। तो अभी मेरे पास जो डिवाइस है Redmi 4X, तो आप में से अगर किसी का 2 GB या 3 GB का फ़ोन है जिसमें लिमिटेड है 720p स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो शायद ये वीडियो आपका कुछ हेल्प कर सकता है। तो पहले जाते हैं हमारे काइन मास्टर पे। तो आपका जो एडिटिंग है, मतलब जैसा प्रोजेक्ट है, इसको कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट करके एक्सपोर्ट कर लीजिए, फिर से जाइए हमारा काइन मास्टर का नया एक प्रोजेक्ट पे। तो जिस प्रोजेक्ट पे जाएंगे, इस प्रोजेक्ट पे हम पहले लेंगे एक बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड लेंगे ब्लैक, ठीक है? तो इसका जो ड्यूरेबिलिटी है व ड्यूरेशन है, इसको हम जितना वीडियो है उस हिसाब से कर लेंगे, चाहे वो 10 मिनट्स का हो सकता है या 5 मिनट्स, 3 मिनट्स या 7 मिनट्स। तो नेक्स्ट स्टेप है, हमको जाना होगा मीडिया पे, जो लेयर पे है, ये वाला मीडिया, वो ऊपर वाला नहीं, लेयर पे। तो लेयर पे जो मीडिया है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद जो हमारा एक्सपोर्ट किया हुआ वीडियो है उसको हम यहाँ पे लाएंगे, इसको हम फिर से खींच के इसका पूरा फुल स्क्रीन कर लेंगे। फुल स्क्रीन करने के बाद एज यूजर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप भी ले सकते हैं 1080p का मज़ा। और एक बार, हाँ, जो जितना भी लो एंड डिवाइस है उसमें 720p से ऊपर, मतलब मेरा 2 GB का, मेरा जो रेडमी का 4X है, तो Redmi 4X में क्या है कि मेरा काइन मास्टर का एक्सपोर्ट जितना जो क्वालिटी है वो 1080p का है। वैसे हम इसका फ्रेम रेट ज़्यादा कर सकते हैं, जो एडवांस पे जाके हम इसका अनलिमिटेड लेयर भी डाल सकते हैं, या फिर इसका 30 FPS से इसको हम 60 FPS तक इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यही है एडवांटेज। तो इस एडवांटेज को काम पे लगा के हम इसका रेजुलेशन के साथ इसका हमारा 1080p का वीडियो रेडी कर सकते हैं। यही सिंपल सी तरीका है। तो बस यही आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो भाई लाइक कर देना और शेयर जरूर करना, क्योंकि लो एंड डिवाइस हमारे इंडिया में बहुत सारे पीपल के पास होता है, जैसे कि मेरे पास है, मेरे पास है, मतलब इस फ़ोन को मैं अभी भी अभी तक यूज़ करता हूँ इस फ़ोन को, और काम भी करता है बहुत अच्छी तरीके से, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता भाई। एडिटिंग भी आराम से हो जाता है 2 GB रैम में, कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे मेरा पोको है बहुत ही, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारा कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे लिए मेरा पोको बहुत ही दमदार फ़ोन है। जो हार्डवेयर है बहुत ही मस्त है भाई,
जिसने यूज़ किया उसको पता होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।